पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश को फीमेल 50 किलो कैटेगरी में फाइनल खेलना था, लेकिन मैच से पहले लिए गए वजन में उनका वजन ज़्यादा पाया गया। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 100 ग्राम ज़्यादा वजन निकला था। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जब उन्होंने एक दिन पहले मैच खेला था उस वक्त उनका वजन सही था, लेकिन एक दिन बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में जानते हैं कि आखिर रेसलिंग में वजन को लेकर क्या नियम है। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर उन्हें अयोग्य घोषित क्यों किया गया। ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों के वजन को लेकर जो नियम है उनके अनुसार पहलवानों का मैच से पहले वजन होता है, और अगर दो रेसलर दो दिन बाउट लड़ते हैं तो दो दिन उनका वजन किया जाता है। नियमों के अनुसार जिस दिन बाउट होता है उस दिन हर पहलवान का वजन सुबह में होता है। प्रत्येक भार वर्ग के लिए टूर्नामेंट दो दिवसीय अवधि में लड़ा जाता है, इसलिए जो भी पहलवान फाइनल में पहुंचते हैं उनका दो दिन वजन होता है। पहले वेट इन के दौरान पहलवानों के पास वेट बनाने के लिए 30 मिनट का समय होता है। 30 मिनट में कई बार वजन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन वेट इन सिर्फ 15 मिनट का होता है। वजन करने के बाद खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि उनके नाखून भी कटे हुए हैं या नहीं। इस वजन के दौरान कुश्ती पहलवान को सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाज़त होती है। इसके बाद अगले दिन टेस्ट करवाया जाता है और इस दिन वेट इन 15 मिनट तक चलता है। अगर विनेश के केस में समझें तो विनेश का एक दिन में 100 ग्राम वजन बढ़ गया, जिससे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। बता दें कि फ्री स्टाइल रेसलिंग में कई वेट कैटेगरी होती हैं। महिलाओं में 50, 53, 57, 62, 68, 76 किलो की कैटेगरी होती है। वहीं पुरुषों की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 57, 65, 74, 86, 97, 125 किलो की कैटेगरी होती है। अब सवाल उठता है कि क्या विनेश फोगाट को अब सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। ऐसे में अब उनके हाथ में सिल्वर मेडल भी नहीं आएगा।